नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन लाइव और मैं हूं चंदन। आज हमारी टीम पहुंची हुई है मैरवा प्रखंड के फिर से एक बार सेवतापुर पंचायत में, और आपको बताते चले कि मैरवा गुठनी और नौतन का जो नामांकन है आज से शुरू हो चुका है। लेकिन कुछ खबरें यहां से कुछ लोगों के द्वारा दी गई कि इस पंचायत में एक एक व्यक्ति का जो नाम है वो कई जगहों पर है, यानी कि 5-5 जगहों पर है, 6-6 जगहों पर है। तो आखिर ऐसा क्यों हो गया? ये बहुत बड़ी इसे गलती कही जाए या जो भी कही जाए, क्योंकि चुनाव आयोग या जिला प्रशासन किसी भी हाल में चाहता है कि पूरे बिहार का जो चुनाव हो बिल्कुल निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो। और जिलाधिकारी अमित कुमार पांडे ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जिस तरीके से पंचायती चुनाव की शुरुआत हुई उसमें उन्होंने सीधे तौर पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी थी कि तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई है चुनाव को लेकर। तो आखिर तैयारियां पूरी जब कर ली गई है तो फिर सीवान जिले के सेवतापुर पंचायत में किन कारणों से और किन के चाहने से एक एक व्यक्ति का नाम 5 से 6 जगह पर है, जबकि इसकी शिकायत की गई जो यहाँ की स्थानीय मुखिया वर्तमान में रह चुकी हैं उनके द्वारा, वीडियो के द्वारा टीम भी बनाई गई। लेकिन उन सबके बावजूद जो टीम आई उस टीम के सब कुछ करने के बावजूद आज भी उन जगहों से नाम नहीं हटाया गया। इसको लेकर के स्थानीय जो वोटर हैं उनमें मलाल है, और जो उम्मीदवार हैं वो तो खैर अपने कंप्लेन किए हुए हैं कि इस तरीके की बात सामने आ रही है। इसी को लेकर के एक बार हम पहुंचे हुए हैं, आप देख सकते हैं वर्तमान जो मुखिया रह चुकी हैं सेवतापुर पंचायत की पिंकी देवी, इनके साथ तमाम लोग हैं। ये कोई चुनावी खबर हम लोग बनाने के लिए नहीं आए हैं, ये वोटर हैं, आप देख सकते हैं ये तमाम यहाँ के वोटर हैं, और साथ में यहाँ पर पिंकी देवी है। पिंकी देवी ने कंप्लेन किया है अधिकारियों के पास, डीएम के पास भी कंप्लेन किया है कि जो 4-5 जगहों पे लोगों का नाम है, एक एक व्यक्ति का, कोई उत्तर प्रदेश का रहने वाला है तो किसी की शादी हो चुकी है, वो बाहर ससुराल अपने चली गई है, इस तरह के कई नाम हैं जिन नामों को हटाया जाए और निष्पक्ष तरीके से इस पंचायत में चुनाव कराया जाए। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इधर उधर से नाम ला करके यहाँ डलवाने का काम किए हैं, लेकिन प्रत्याशियों की यहाँ पे बात नहीं है। यहाँ पे अधिकारी को चाहिए कि निष्पक्ष तरीके से उस नाम की जांच हो, और जांच करके अगर एक से ज़्यादा जगहों पर नाम है तो उसे हटाया जाए। और सवाल यह भी है कि आखिर 5-6 जगहों पर नाम कैसे चला गया? विधानसभा चुनाव भी बीता हुआ है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इन सारे लोगों के द्वारा वोटिंग सभी जगहों पे कर दी गई? तो ये भी एक सवाल उठेगा जिला प्रशासन पर। तो जिला प्रशासन से गुजारिश है, ये सिर्फ सेवतापुर पंचायत की हम बात नहीं कर रहे हैं, हमारे एटीएन लाइव के द्वारा जिला प्रशासन से हम गुजारिश करते हैं कि जिले में अगर कहीं भी इस तरह की व्यवस्था है, एक एक व्यक्ति का नाम अगर 5-5 जगह पर, 6-6 जगहों पर है, तो कृपया उसे हटा करके एक जगह पर किया जाए। और अगर किसी कर्मी की संलिप्तता है, जांच के बाद अगर इस तरह की बात आ रही है तो उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और इस मामले को लेकर हम जिलाधिकारी के पास भी जाएंगे, अमित कुमार पांडे के पास, क्योंकि जिलाधिकारी पर तमाम लोगों की जो चीज़ें हैं, तमाम लोगों का जो विश्वास है वो उन पर बना हुआ है, और लोग चाहते हैं, जानते भी हैं कि जिलाधिकारी निष्पक्ष चुनाव कराएंगे, ऐसे में उन पर पूरा भरोसा भी है। सीधे ले चलते हैं, आइए पिंकी देवी के पास, क्योंकि जनता से तो बात नहीं करेंगे, आज हम बात करेंगे कि आखिरकार कुछ जो नाम यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा एक जगह नहीं जो नाम है वो 5-5 जगह उनका नाम चला गया है, पूरा मामला क्या है ये हम आपसे जानना चाहते हैं, और किन किन जगहों पे आप लोगों ने शिकायत किया है। जी, सबसे पहले तो एटीएम लाइव की तरफ से मैं पूरे पंचायत के जनता को नमस्कार करती हूँ। बताया जाए कि आखिर जो सामने आया हुआ, अभी हम आपने आपका हमको आवेदन देखे हुए हैं, एक एक व्यक्ति का नाम कई जगहों पर है, तो आखिर ये एक वोटर 5-5 जगह पर कैसे वोट देंगे, और इसको लेकर के आप लोगों ने क्या कुछ किससे किससे शिकायत की है? जी, सबसे पहले तो मैं पहुंची आटवा गांव से पता की, तो वहां पे हमको ये सवाल पैदा हुआ जे एक एक व्यक्ति का नाम कई कई जगह जुड़ा हुआ है, तो इसका शिकायत मैं प्रखंड पदाधिकारी BDO साहब के पास की, उसके बाद जिला पदाधिकारी DM साहब के पास की हूँ, उसका जांच हुआ है, जांच टीम क्या जांच की है उसका अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं हुआ, उनका नाम नहीं कटा है। तो इस बार मान लीजिए कि चुनाव जो नामांकन है वो प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, तो आपको क्या लग रहा है कि जिस तरीके से जो
हालांकि कुछ अधिकारियों के द्वारा जांच भी किया गया है और जांच के क्रम में जो जानकारी हमें मिल रही है कि 713 इसके बाद का जो है वो बिल्कुल संदेहास्पद स्थिति है उस पर। तो आखिर ये कैसे क्या होगा, इसके लिए कुछ आप लोग अधिकारियों से बात किए, उनका क्या कुछ कहना है? प्रखंड पदाधिकारी से हम लोग बात किए हैं जी जी। तो वो अपना जांच टीम द्वारा जांच किए हैं जी जी। अभी कटा है नहीं कटा है इसका जानकारी हमको अभी तक प्राप्त नहीं हुआ। अच्छा, कितने लोगों का इस तरह का, कितने लोग हैं, कुछ जानकारी है आपको इसके बारे में? अच्छा चलिए, हम उमेश जी यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे क्योंकि इनको सब कुछ जानकारी है इसके बारे में और मुखिया के परिवार के रहने वाले हैं क्योंकि मुखिया जो है घरेलू है तो जाहिर सी बात है कि जो कागजाती जो काम होता है वो परिवार के लोग करते हैं। उमेश जी आप बताइए कि क्या कुछ जानकारी है, एक एक व्यक्ति के का जो नाम है वो कई जगहों पर है, हालांकि नया मामला सामने आया हुआ है जबकि एक वोटर अगर है तो उनका एक ही जगह पर नाम रहना चाहिए, तो क्या कुछ स्थिति है और अगर इस तरह का मामला सामने आया है तो किस तरीके से आप लोगों ने प्रूफ किया, अधिकारियों को कौन कौन से अधिकारियों को आपने सूचना दिया? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको धन्यवाद देता हूँ और जनता को भी धन्यवाद देता हूँ कि सभी लोगों ने जागरूक होकर ऐसे मामला को उजागर किया जिसमें हम लोगों को पता चला कि उत्तर प्रदेश के काफ़ी लोगों का नाम है जी जी। फिर एक आदमी का है, 5 से 6 जगह नाम है जी जी। कई लोग गुठनी क्षेत्र का नाम है जी जी। जबकि वार्ड नंबर 14 में 713 मतदाताओं का रिपोर्टिंग बीडीओ साहब ने किया है बिल्कुल, बिल्कुल। और वहाँ 1094 मतदाता जी। इस वोटर लिस्ट में दर्ज है, लगभग 381 मतदाता का नाम जुड़ा हुआ है जो हमारे पंचायत के है ही नहीं, अगर है भी तो कई जगह नाम है, 4 जगह 5 जगह है। तो इसके लिए हम लोगों ने आवेदन दिया है और वीडियो साहब ने जांच तो कराया है, अब आगे क्या किया है तो पता नहीं चला अभी। तो इसको आप लोगों ने पूरी तरीके से चिन्हित कर लिया है कि 300 कुछ जो नाम है वो हमारे यहाँ के नहीं है, वो बाहर है, बाहरी लोगों के हैं जी बिल्कुल। ये सब अपने स्तर से तो हम लोगों ने लिस्ट बनाया हुआ है, उस लिस्ट को वीडियो साहब को भी दिया गया है, जिला पदाधिकारी महोदय को भी दिया गया है और जो जिसका नाम 4 से 5 जगह उसको भी चिन्हित किया गया है, जो उत्तर प्रदेश का है उसको भी दर्शाया गया है कि उत्तर प्रदेश का ये आदमी है और आगे जो है अभी तक कटा नहीं, ऐसा कुछ रिपोर्ट नहीं आया है तो निष्पक्ष चुनाव पे भी थोड़ा सा हमको। अच्छा, कुछ इसमें नाबालिग लोगों का भी नामों में है क्या? कुछ नाबालिग बच्चे हैं जो यहाँ कोई कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चलता है प्रखंड पे, उसी के छात्र भी हैं, कुछ हाई स्कूल वगैरह में पढ़ने वाले छात्र हैं जिनका नाम जोड़ा गया है, ऐसे भी हम लोग पता चला है सब। तो इसका रिपोर्ट वपोर्ट कुछ जानकारी जो हमें मिल रहा है कि कुछ रिपोर्ट किसी अधिकारी के द्वारा कुछ दिया गया है, इस तरह का कुछ जानकारी है क्या आप लोगों को कि ऐसा कुछ? नहीं, अभी जानकारी तो नहीं मिला है, जांच की जानकारी हुई है कि वीडियो साहब ने जाँच करवाया है। अच्छा। अब जाँच के बाद क्या रिपोर्ट दिया है अभी जो है ये क्लियर नहीं हुआ, लेकिन 381 फर्जी नाम जो है ये तो लगभग स्पष्ट हो चुका है। अच्छा, तो इसको लेकर के आप लोग तो जिलाधिकारी को भी आवेदन दे चुके हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, जिलाधिकारी को आवेदन दिया गया। तो क्या कुछ आश्वासन इस पे मिला हुआ है? आवेदन क्या हुआ है, अभी तो जिला पदाधिकारी महोदय से हमारी मुलाकात नहीं हुई है जी जी। लेकिन आवेदन उनके कार्यालय गया, जिला पंचायत राज पदाधिकारी के यहाँ भी आवेदन किया है, उनसे मुलाकात हुई है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि सबको नाम हटाया जाएगा और निष्पक्ष चुनाव कराया जाएगा। तो 300 कुछ नाम है तो आपको किसी प्रकार का डर भी लग रहा है क्योंकि एक व्यक्ति का अगर 4-4, 5-5 जगह नाम है तो कहीं ना कहीं चुनाव जो है वो तो निष्पक्ष फिर कैसे होगा? नहीं, डर की इसमें क्या बात है, सेवतापुर पंचायत की जनता जो है 3 टर्म से हमको समर्थन दे रही जी है, आज 4th टर्म भी समर्थन देगी, डर की बात नहीं है लेकिन चुनाव की निष्पक्षता की बात है जी जी, वही चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए और निष्पक्ष तभी होगा जब 381 मतदाता का नाम कट जाएगा। तो आपको क्या लग रहा है कि चुनाव तो अब नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है तो आपको क्या लग रहा है कि वाकई में ये हो पाएगा 381 जो नाम है जो कि आप बोल रहे हैं कि रिपोर्ट भी उसका जांच रिपोर्ट भी आ गया है, तो आपको लग रहा है कि ये नाम 381 हट जाएंगे गलत जो नाम है या फिर कैसे क्या होगा ये? बिल्कुल, हमको पूरा उम्मीद है कि जिला पदाधिकारी महोदय इस पर एक्शन लेंगे और नाम को हटवाएंगे और निष्पक्ष चुनाव कराने की व्यवस्था करेंगे जिससे कहीं भी कोई अशांति और किसी तरह का मामला जो है नहीं हो। बायोमेट्रिक का भी आश्वासन मिला हुआ है और हम लोग न्यूज़ में भी देख रहे हैं बायोमेट्रिक लगेगा, ऐसा लगता है तो निष्पक्ष चुनाव बिल्कुल होगा और उम्मीद है कि बिल्कुल बिल्कुल हमको उम्मीद है। जिलाधिकारी से खास करके आप हमारे चैनल के माध्यम से कुछ आग्रह करना चाहेंगे कि इस तरीके का अगर मसला आया हुआ है तो क्या कहना चाहेंगे कुछ, हालांकि हम लोग तो मामले को पहुंचाएंगे भी वहां पे। जी बिल्कुल, मैं जिला पदाधिकारी महोदय से आग्रह करूंगा कि
जो नाम चिन्हित है 381 नाम, उसको डिलीट करवा दिया जाए और अपने स्तर से दोषी कौन है इस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए जी। बिल्कुल, आखिर 713 का 14 नंबर में रिपोर्टिंग हुआ है, 1094 मतदाता हैं, 381 तो फर्जी हैं वहाँ। बिल्कुल बिल्कुल, और आखिर इतना बड़ा अनियमितता हुआ कैसे, इसके लिए दोषी कौन है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें तो मान लीजिए कि जिस तरीके से ये सब कुछ किया गया है, इसमें तो कई कर्मी भी लपेटे में आ सकते हैं जिन्होंने सर्वेक्षण कर इस तरह का काम किया है। बिल्कुल, ये तो जांच की विषय है, जांच किया गया है, निश्चित तौर पर जिला पदाधिकारी महोदय एक्शन लेंगे। जी जी। अगर कर्मी संलिप्त है तो कर्मी पर कार्रवाई होगी, जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। ये बताइए, हाँ बताइए, और कुछ कहना चाह रहे हैं जी? बिल्कुल, मैं ये कहूँगा कि सबका नाम जो है उसको काट दिया जाए और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए, क्योंकि जनता हमारे साथ है और जनता जो है साथ रहेगी, इसमें मेरा उम्मीद भी है। और सभी लोगों से मैं आग्रह करूँगा कि पिंकी देवी को चौथी बार आप लोग बहुमूल्य वोट देकर विजयी बनाएं। अच्छा, ये बताइए कि काफ़ी भीड़ यहाँ पे लगी हुई है, इनका नामांकन कब होने जा रहा है? जी, नामांकन जो है 27 तारीख को सुबह हम लोग 9:30 बजे यहाँ से चलेंगे प्रखंड कार्यालय के लिए। जी जी। और 11 बजे के बाद मतलब 12 के आसपास नामांकन होगा, 27 तारीख को सोमवार को। अपने पंचायत की जनता से क्या अपील, क्या गुजारिश करेंगे? जी, हम गुजारिश यही करेंगे कि सभी लोग जो है जिस प्रकार से 3 बार ने समर्थन दिया है, चौथी बार भी हम लोग समर्थन दें। निश्चित तौर पे जो विकास हुआ है उसे और विकास आगे बढ़ाएंगे, कहीं कोई जो है इसमें बट लेकिन नहीं रहेगा। बताइए क्या कहना चाहेंगे, कुछ जिस तरीके से जो मामले सामने आए हैं, जिलाधिकारी से कुछ आप कहना चाहेंगे? जी, मैं जिलाधिकारी महोदय से यही कहना चाहूँगी कि निष्पक्ष रूप से वोट कराया जाए और जितना शांति हो सके उतना, जो जिसमें गड़बड़ी है उसको कार्रवाई किया जाए और शांतिपूर्वक मतदाता यहाँ पे वोट डाले। अच्छा, आपका नामांकन है 27 तारीख को, जैसे कि बता रहे हैं, क्या कुछ आग्रह अपील करेंगे अपनी पंचायत की जनता से? मैं अपने पंचायत वासियों को सबसे पहले नमस्कार करके यही गुजारिश करती हूँ कि 27 तारीख को मेरा नामांकन है, दिन सोमवार 9:30 पर हम लोग यहाँ से प्रस्ताव करेंगे, 11 बजे वहाँ पे नामांकन है। सारे जनता से यही आग्रह और निवेदन है जो हमारे साथ चले, कंधा से कंधा मिलाकर, माता एवं बहनों सबसे प्रणाम और धन्यवाद करती हूँ। तो बिल्कुल, आपने देखा कि यहाँ पे बातचीत हुई पिंकी देवी जो यहाँ की सिहोतापुर की मुखिया हैं, उनके परिवार के उमेश कुमार सिंह थे, जिस तरीके से जो मामले सामने आए हुए हैं यहाँ पे कि एक एक व्यक्ति का कई जगहों पे नाम है और जांच में भी उसे पाया गया है कि इस तरह की गड़बड़ियाँ हैं, तो इस मामले को हम लोग जिलाधिकारी के पास भी लेकर चलेंगे। हालांकि कहीं भी अगर किसी पंचायत से इस तरह की गड़बड़ी आ रही है तो जिलाधिकारी को भी चाहिए कि इस तरह के मामले का निष्पादन करें ताकि चुनाव जो है वो निष्पक्ष हो सके। अब ऐसे में देखना यह होगा कि जो नाम इधर उधर जो 2-4-5 जगहों पर है, क्या वाकई में वो हटाए जाएंगे या फिर जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई होगी। आगे जिलाधिकारी का फैसला क्या कुछ होता है यह तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। हमारे सहयोगी प्रभात के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव, सिवान। तंत्र मंत्र के बादशाह भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी, इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहां। ग्रह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान, सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996। रेडीमेड की दुनिया में सबसे किफायती ब्रांड यूनाइटेड 18, जहां मिलेंगे मेंस एंड वुमेन्स कपड़ों के बेहतरीन कलेक्शन। सिर्फ 699 से 1099 तक के जींस, वहीं 499 से 799 तक के शर्ट का बेहतरीन रेंज उपलब्ध। महिलाओं के लिए 399 से 1199 तक का शानदार डिजाइनों में रेडीमेड सूट व किफायती दरों पर कुर्ती भी उपलब्ध। अब देर किस बात की, एक ही छत के नीचे सब कुछ, आज ही जमकर खरीदारी करें। यूनाइटेड 18 अस्पताल मोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9006273666।
सिवान का जाना पहचाना वीआईपी अल्युमिनियम वर्कशॉप, जहां दरवाजा, खिड़की, स्लाइडिंग, पीवीसी डोर, यूपीबीसी विंडो सहित अल्युमिनियम का सभी कार्य किया जाता है। साथ ही प्लाई का दरवाजा भी उचित दाम पर मिलता है। हमारा पता है महादेवा शिव मंदिर के पास, सिवान। प्रोप्राइटर मोहम्मद राशिद। मोबाइल 9801112266 व 9128890066। मैं चंदन कुमार, ग्राम पंचायत राजरामापल्ली के सभी सम्मानित जनता से, सभी मतदाता मालिकों से मैं ये अनुरोध करता हूँ कि मैं ग्राम पंचायत राजरामापल्ली से मुखिया पद के प्रत्याशी हूँ। मेरे सभी मतदाता भाइयों से अपील है कि आप चुनाव चिन्ह टेम्पू छाप पर 4 नंबर क्रमांक पर अपना बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बताएं, तथा सभी मतदाता बहनों से यही रिक्वेस्ट है कि आप सभी भारी से भारी मतों से हमें विजयी बनाएं। आप पंचायत की चहुमुखी विकास की ओर ले जाने का काम करें। मैं संगीता देवी, क्षेत्र संख्या 15 के उम्मीदवार हूँ और मेरा चुनाव चिन्ह मकई के बाल पर। रौरा सबसे आग्रह करतनी, विनती करतनी कि रौरा सब अपन बहुमूल वोट देकर अब 29 तारीख के हमरा के अपना विजयी बनाई और साथ साथ अपने ईवीएम मशीन में क्रम संख्या 5 पर मकई के बाल के चिन्ह पर रौरा बटन दबा के आ हमरा के विजयी बनाई। और साथ साथ मैं अपने नौजवान साथियों और भाई एवं बहनों, माता एवं बुजुर्ग, पिता तुल हमारे गार्जियन, आप सभी से मैं आग्रह करती हूँ कि 29 तारीख आप सभी मत भूलिएगा और संगीता जी को याद रखिएगा। मकई के बाल के सामने ईवीएम पर बटन दबा के विजयी बनाई, यह हमार आग्रह रौरा सबसे बा, विनती बा, प्रणाम। मैं दिलीप कुमार मांझी, मुखिया प्रतिनिधि भंटा पोखर पंचायत सिवान सदर। मैं अपने पूरे पंचायत की जनता से अपील करता हूँ कि 5 साल तक हम लोगों ने जो आपका सेवा किया है और हमारी बहू फिर पुनः चुनाव में खड़ी है, उसका चुनाव चिन्ह ढोलक छाप है जो ईवीएम मशीन के 2 नंबर पर है। मैं पूरे जनता से अपील करना चाहता हूँ कि आप लोग तहे दिल से फिर दोबारा मौका देने का काम करें। हम लोगों ने जितना काम किया है यह आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है। आप लोग जानते हैं कि मैं जितना काम किया हूँ, शायद 19 पंचायत में इतना काम हुआ है। और मैं आप लोगों से यही अपील करना चाहता हूँ कि ढोलक छाप पर ईवीएम मशीन के 2 नंबर पर आप अपना बहुमूल्य वोट दे करके भारी मतों से फिर पुनः हमारी बहू ममता देवी को चुनाव जिताने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जनता से मैं यही अपील करें। ममता देवी, मुखिया प्रत्याशी। जनता सबसे यह निवेदन है कि हमें एक बार और हमें विजयी बनाए और 2 क्रमांक संख्या 2 पर नीले बटन को दबाकर हमें भारी से भारी मतों से विजयी बनाए। और जो कमी है हमारे पंचायत में उसे हम पूरा करने के लिए तैयार हैं। हम पूरा करेंगे। जनता सबको जितना भी कमियां है आगे हमें बढ़ाएं, हम भी उन लोगों को पूरा करेंगे। जनता सबको हम भी जो काम पंचायत में बाकी है उसे हम पूरा करेंगे। जनता सबसे यह निवेदन है हमें 2 क्रमांक संख्या 2 पे ढोलक छाप पे मोहर लगाकर हमें विजयी बनाएं। वादा नहीं विश्वास होगा, राजनीति नहीं विकास होगा, सबका सम्मान होगा, सबका अधिकार होगा। ग्राम पंचायत राज हसनपुरवा से शिक्षित एवं संघर्षशील महिला मुखिया प्रत्याशी ललिता देवी पति राजू यादव का चुनाव चिन्ह बैगन छाप ईवीएम क्रमांक संख्या 6 के सामने वाला नीला बटन दबाकर उन्हें भारी मतों से विजयी बनाएं।
हम करणपुरा पंचायत के मुखिया पति शैलेंद्र कुमार सिंह अपना करणपुरा पंचायत के आम जनता से वोटर से निवेदन बा निहोरा बा कि हमरा के 29 तारीख के पुल छाप पर जो कि 5 नंबर पर है उस पर बटन दबा के भारी से भारी बहुमत से विजयी बनाए ताकि हम आगे भी जो विकास के लिए बने वो गति के रुके ना दी और गति के आगे बढ़े ये हमारा निहोरा बा जनता से। कर्णपुरा पंचायत के सुगंती देवी सभी जनता निवेदन करती हूँ कि 5 नंबर बटन पर पुल छाप पर मोहर लगा कर भारी से भारी माओवादियों से जिताइए। सबको आग्रह करती हूँ। मैं कन्हैया प्रसाद यादव धनौती पंचायत की तमाम मतदाता बंधुओं माताएं बहनें से मैं अपील करना चाहता हूं कि दिनांक 29 तारीख को मतदान केंद्र पहुंचकर और सुभावती देवी जो मुखिया प्रत्याशी है उनको अपना बहुमूल्य वोट 17 नंबर जग छाप पर बटन दबाकर विजयी बनाएं। मैं धनौती पंचायत की जनता से यह अपील करूंगा कर रहा हूं जो विकास कार्य को आगे बढ़ाते हुए धनौती पंचायत की विकास अच्छा से जो हो रहा है वो आगे बढ़े इसीलिए मैं अपील कर रहा हूं और मैं हाथ जोड़कर सभी मतदाता बंधु का अभिनंदन करता हूं प्रणाम और सलाम करता हूं। मैं मंकेश्वर मांझी मुखिया प्रत्याशी ग्राम पंचायत राजपिठौरी मैं अपने पंचायत के सभी माँ बहन भाई चाचा काका काकी सभी लोगों से मैं अपील करता हूँ कि ताकि वो लोग अपना कीमती वोट हमें दें। मेरा चुनाव चिन्ह क्रम संख्या 2 पे है जो चुनाव चिन्ह ढोलक छाप है। मैं सभी लोगों से हाथ पांव जोड़ करके सभी लोगों से मैं अपील करता हूँ कि ताकि वो लोग हमें वोट दें। जो भी कार्य है हम करने का काम करेंगे हर बात सुनने का हम काम करेंगे और इसी के साथ हमें आशीर्वाद दे कि ताकि फिर हम जीत करके आएँ अपने पंचायत में और पंचायत के लोगों के साथ करने का काम कार्य करने का काम करें। हम पचौकी पंचायत से मुखिया उम्मीदवार बनी जी। हम कलम दो आपके चुनाव चिन्ह बा भारी से भारी विजय बनाई हमारे के आग्रह चाह कहतनी जो हमारे के विजय बनाए लो भारी से भारी हमारे जिताए लो हम पूरा विकास कराएं पचौकी पंचायत के गरीब जनता के हम सब व्यक्ति कराएं सहयोग कराएं। मैं इस पंचायत के जनता से अपील करता हूं कि आप लोग अनीता देवी को भारी मतों से विजयी बनावें। उनका चुनाव चिन्ह 3 नंबर पर कलम दोआत है। इनको भार आग्रह यही करेंगे जो उनको आप लोग भारी बहुमत से जिताएं। जीतने के बाद क्या करेंगे? जीतने के बाद विकास होगा।